दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसको लेकर बहुत सारे सवाल भी किए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में देखा था कि अदन की वाटिका के स्थान के बारे में जो अभी तक अज्ञात है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अदन की वाटिका के बारे में बाइबल क्या बताती है और यहूदी रवि इसके बारे में क्या बताते हैं। दोस्तों बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए तो अदन की वाटिका के बारे में सबसे पहले हम उत्पत्ति अध्याय 2 में देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रखा, और यहोवा परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर और खाने के लिए अच्छे थे भूमि से उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को तथा भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बढ़कर चार धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिसोन है, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, यह वही है जो असुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका को पूर्व दिशा में बनाया था, जिसमें आदम को उस वाटिका को देखभाल के लिए रखा। उस वाटिका के अंदर परमेश्वर ने सब प्रकार का वृक्ष जो देखने में मनोहर और खाने में अच्छे थे भूमि से उगाया, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वाटिका को सींचने के लिए उसमें से एक नदी बहती थी जो आगे बढ़कर चार नदियों में बट जाती थी। चारों नदियों का नाम बताया गया है, पिसोन, गिहोन, दजला और फरात। तो दोस्तों ये तो रहा बाइबल के अनुसार अदन की वाटिका का विवरण। आखिर यहूदी रवि अदन की वाटिका के बारे में क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहूदी रवि कई सालों से इस बात को मानते हुए आए हैं कि अदन का वाटिका का एक भाग जो गतसमनी का बाग भी कहा जाता है, किद्रोन घाटी में जो यरूशलेम में पाया जाता है, मौजूद हुआ करता था, और अदन की वाटिका भी किद्रोन घाटी में मौजूद हुआ करती थी। और आप इस पिक्चर में एक चढ़ाई को देख सकते हैं जिसे आज के समय में आदम की चढ़ाई भी कहा जाता है, और यह इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहूदी रवि मानते हैं कि आदम और हवा किद्रोन घाटी में रहा करते थे, और आदम और हवा प्रतिदिन दिन के ठंडे समय में मौरिया पर्वत पर जाया करते थे परमेश्वर से मिलने के लिए। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये एक्चुअली में अदन की वाटिका का रियल स्पॉट माना जाता है जो आदम के समय में हुआ करता था। यहूदी रवियों का भी यही मानना है। आज के समय में अदन की वाटिका इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसके अस्तित्व के बारे में ज़रूर जान सकते हैं। जैसा कि आज के इस वीडियो में हमने देखा बाइबल के अनुसार और यहूदी रवियों के अनुसार। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।